जब 2 दिन पहले वो ब्रेक हुए उसके बाद हमने पिछले 2 दिनों में हल्का प्रॉफिट बुकिंग देखा। देखिए आज वीकनेस है मार्केट में, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है। जो ब्रॉडर पिक्चर है वो अभी बहुत पॉजिटिव दिख रही है। जो सेल के सिग्नल्स है चार्ट्स पे स्टॉक स्पेसिफिक भी वो बहुत कम दिखते हैं। आज भी इतने वीक मार्केट में जहां इंडेक्स 130 135 पॉइंट डाउन है, अगर स्टॉक्स निकाले जाते हैं तो टेक्निकली जो बुलिश ट्रेंड वाले स्टॉक्स है वो मेरे को ज्यादा दिखते हैं कंपेयर टू बेरिश ट्रेंड वाले स्टॉक्स। तो वो बताता है कि केवल एक करेक्शन है, अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। मेरा समझना है कि इस करेक्शन पे खरीदारी करके ही चलना है, और अभी भी मेरा मानना है कि आपको बहुत ही जल्द 19,000 19,050 तक के स्तर निफ्टी में देखने को मिलेंगे। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इस टाइम पे 18,700 का 29 दिसंबर वाला कॉल ऑप्शन ले लिया जाए, वो बेहतर स्ट्रेटेजी है। 296 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 100 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रिस्क लेना है, तो 200 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 100 रुपए का रिस्क है। ऊपर की तरफ बात करें तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही जल्द 500 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी में हालांकि उस तरह का ट्रेंड नहीं दिखता है, जो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स है वो थोड़ा थम गया है, एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो लेकिन बेरिश यहां पर भी कोई भी सिग्नल बेरिश नहीं है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में जो अहम सपोर्ट है वो है 42,700 का। जब तक 42,700 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा बैंक निफ्टी, मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट नहीं करना है, अपनी लॉन्ग पोजिशन से निकलने की जरूरत नहीं है। 42,700 का स्टॉप लॉस रखें। कंसोलिडेशन के बाद जब हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 43,400 के ऊपर, तब आपको कम से कम 44,000 रुपए तक के 44,000 तक के रैली देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो अंडरटोन यहाँ पर भी बुलिश है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर ट्रेड नहीं है। जैसे मैंने निफ्टी में ट्रेड बताया है, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा ब्रेकआउट का 43,300 के ऊपर। तो इस समय निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड नहीं लेना है, 43,300 43,400 के ऊपर तेजी बनेगी इस समय नहीं, लेकिन हाँ निफ्टी में जो डिप आया है लगातार एक तरफा तेजी के बाद, यह आपको फिर मौका दे रहा है इंडेक्स में तेजी की पोजीशन खड़ी करने का। और आसान तरीका है इस ट्रेड को प्ले करने का है कि आप 18,700 का दिसंबर एक्सपायरी वाला ट्रेड लेकर चले, कॉल खरीदिएगा, 294 पर खड़ा है, 500 के लिए टारगेट के लिए का मौका यहां पर साफ देखने को मिला है। तो मानस कॉन्फिडेंट है डिप पर बाय ही करें, और इस कॉन्फिडेंस में दरअसल आज मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है।